कैसे हो माइनक्राफ्ट के दीवानों। तो आज वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो में मैं माइनक्राफ्ट के कुछ हॉरर मिस्ट्रीज को सॉल्व करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको माइनक्राफ्ट की और डार्क चीजें पता चले। वेल, आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिससे कि हम मर सकते हैं। या तो गलती से पैर फिसल के मर गए, या तो हमको किसी मॉब ने मार दिया। लेकिन इन सब से बचने के लिए हमारे पास है टोटम ऑफ अंडाइंग। ये एक ऐसी चीज है जो मरते हुए आदमी को जिंदा कर सकती है। लेकिन इस टोटम ऑफ अंडाइंग में ऐसा क्या है जो हमको मरने से बचा लेती है? तो इस चीज को जानने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको वुडलैंड मेंशन के अंदर, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। और इस वुडलैंड मेंशन के अंदर आपको ये इवोकर्स देखने को मिलते हैं। वेल, जैसे आप इनसे फाइट कर इनको मार देते हो तो वो टोटम ऑफ अंडाइंग को ड्रॉप करते हैं। लेकिन आप जानते हो ये इवोकर्स विलेजर्स को पकड़ के अपने वुडलैंड मेंशन के अंदर लाते हैं एंड उनके ऊपर मैजिक करके उनकी सोल को इस टोटम ऑफ अंडाइंग में ट्रैप कर देते हैं। क्योंकि टोटम ऑफ अंडाइंग की नोज और विलेजर की नोज एकदम सिमिलर है, यहां तक कि जो टोटम ऑफ अंडाइंग की आईज है वो बिल्कुल एमरल्ड्स जैसी दिखती हैं। और एमरल्ड से कौन ट्रेडिंग करता है ये तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। तो इससे साफ साफ पता चलता है ये इवोकर्स विलेजर्स के ऊपर अपना जादू करके अपने आप को और पावरफुल बनाना चाहते हैं एंड उन विलेजर्स की जान लेकर अपने आप को एक एक्स्ट्रा लाइफ देते हैं। वार्डन, माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब, और इससे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस बारे में बात करने वाला हूँ ब्लड वार्डन के बारे में। ये हमारे नॉर्मल वार्डन से कई ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ब्लड वार्डन आया कहाँ से। तो ये बात उस टाइम की है जब डीप डार्क में बहुत सारे वार्डन हुआ करते थे और ये सारे वार्डन बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन इन सब वार्डन्स के बीच में एक ऐसा वार्डन भी था जो अपनी सोनिक बूम का यूज नहीं कर पाता था एंड इसकी इस डिसेबिलिटी को देख के बाकी वार्डन्स इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे और इस चीज से परेशान होकर ये वार्डन काफी ज्यादा दुखी था। एंड ये सब चीज होते हुए एक विच देख रही थी एंड वो विच इस वार्डन की मदद करना चाहती थी, इसलिए इस विच ने अपना ब्लैक मैजिक यूज करके एक नॉर्मल वार्डन को ब्लड वार्डन में बदल दिया। लेकिन आने वाले टाइम में ये ब्लड वार्डन कितनी तबाही मचाने वाला है ये चीज किसी को नहीं पता थी, क्योंकि हमारे नॉर्मल वार्डन के पास आंखें नहीं होती हैं, वो सिर्फ सुन के चीजों को सेंस करता है। लेकिन ब्लड वार्डन के पास आंखें भी हैं, जिसकी मदद से ये ब्लड वार्डन डीप डार्क को एस्केप करके बाहर वाली दुनिया में आ जाता है और आसपास के शोर से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है जिस भी चीज में से आवाज आती थी ये उसको मार डालता था। और तो और जब भी ये कोई खून करता था तो आसपास खून की नदियां बहना स्टार्ट हो जाती थी और एक ऐसा वर्ल्ड जो बहुत ज्यादा पीसफुल है अब ये तहस नहस होने वाला है। क्योंकि जब भी ब्लड वार्डन शोर सुन के किसी भी विलेज में आता था तो वो पूरा विलेज ही तहस नहस कर देता था, यहाँ तक कि विलेज में रहने वाले लोग को भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और तो और ये आयरन गोलम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता था। और तो और जब भी कोई प्लेयर इस ब्लड वार्डन को देख लेता था तो इसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता था, क्योंकि एक ऐसा वार्डन जिसकी आंखें भी है और वो पूरा खून से लथपथ है, और वो प्लेयर कितना ही भागने की कोशिश कर ले ये ब्लड वार्डन उसका पीछा करके भी उसकी जान ले लेता था। ऐसे करते करते इस ब्लड वार्डन ने काफी मासूमों की जान ले ली। हर जगह तहस नहस हो रखा था, आसपास मरे हुए लोगों के कंकाल पड़े थे, यहाँ तक कि सारे विलेज भी अब सुनसान हो चुके हैं। और तो और काफी लोगों का तो ये भी मानना है कि इसकी सोनिक बूम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने मून तक को यहाँ पर ब्लड मून में बदल दिया था। वेल, इस स्टोरी के बारे में आपको क्या लगता है प्लीज मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। यार, हम एंटरटेन होने के लिए मूवीज देखते हैं और उसको टिकट के पैसे भी पे करते हैं, लेकिन यार मैं तो आपको फ्री में एंटरटेन कर रहा हूँ। बस यार, एक क्लिक में सब्सक्राइब ही तो करना होता है, फिर भी काफी सारे लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करना। हमारे गेम की सैंड के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, बड़ी नाजुक सी ब्लॉक है यार, इजीली टूट जाती है। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ ओवर पावर्ड सैंड के बारे में, वो और कोई नहीं हमारी सोल सैंड है। वेल, ये कितनी ज्यादा कर्स्ड है ये काफी प्लेयर्स को पहले से ही पता है, लेकिन चलो मैं इसके बारे में आपको और डार्क चीजें बताता हूँ। अगर आप इस सैंड को घूर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सैंड के ऊपर बहुत सारे फेसेस बने हैं। सही सुना आपने, इस सैंड के अंदर सोल ट्रैप्ड है। और तो और जब भी आप सोल सैंड को ब्रेक करते हो तो उसमें से आत्मा की आवाज आती है। एक बार आप खुद ध्यान से सुनो। लेकिन क्या आप जानते हो वही सोल्स हमको अपने अंदर खींचना चाहती है, क्योंकि जब भी आप नेदर के अंदर सोल सोइल के ऊपर चलते हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप सोल सैंड के ऊपर चलते हो तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, जैसे कि वो आत्मा आपको अपने अंदर खींचना चाह रही हो। इवन माइनक्राफ्ट की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिखा गया है
कि ये सोइल बहुत ज्यादा डेडली है और प्लेयर्स और साथ के साथ मॉब्स को अपने अंदर समा सकती है। ये सुनने में बहुत ज्यादा क्रीपी है, लेकिन यही सच है। नेदर में जो भी मरता है उनकी सोल इस सैंड के अंदर ट्रैप हो जाती है। जैसे ही आप उसको गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अंदर की आत्माएं चिल्लाने की कोशिश कर रही है। और जब आप सोल सैंड के ऊपर ये विदर स्केलेटन्स के सर लगाते हो तो ये सारी सोल्स जिंदा हो जाती है और विदर के अंदर बन जाती है। और ये विदर कितनी ज्यादा डेडली है ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो इन चीजों से साफ पता चलता है कि नेदर बहुत ज्यादा क्रीपी है। हमारे गेम में दो करेक्टर्स हैं, स्टीव और एलेक्स। वेल, इनकी एज क्या है इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, और इस चीज के बारे में मैंने काफी ज्यादा रिसर्च भी करी है लेकिन कोई आइडिया नहीं मिला है। बट देखने से साफ पता चलता है कि ये बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गेम में जो बेबीज होते हैं या तो वो विलेजर्स के होते हैं, ज़ॉम्बीज के होते हैं या पिगलिंस वगैरह के भी होते हैं। लेकिन कई लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसी सीड है जिसके अंदर बच्चे की आत्मा घूमती है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को इसके बारे में और पता चलता है। केविन नाम का बच्चा खेलते खेलते पहाड़ की एक ऊंची खाई से नीचे गिर जाता है और उस बच्चे की ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती है। एंड ये चीज बड़ी नॉर्मल है कि माइनक्राफ्ट में कोई भी मरता है तो वो वापस रिस्पॉन हो जाता है, लेकिन वो केविन नाम का बच्चा कभी रिस्पॉन हुआ ही नहीं। और जो उस खाई के आसपास रहने वाले लोग थे वो ये कहते हैं कि भाई रात के टाइम एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। और तो और कई लोगों का ये भी मानना है कि जब वो लोग सो जाते हैं तो रात को घर के अंदर से चेस्ट खुलने की आवाज या कोई ना कोई ब्लॉक गिरने की आवाज आती है। और तो और काफी लोगों से मैंने ऐसा भी सुना है कि उनके घर के आसपास काफी सारे खिलौने पड़े रहते हैं और जो भी बंदा उस खिलौनों को फॉलो करते करते उनके पीछे जाता है वो कभी वापस लौट के आता ही नहीं है। और इसी कारण से उस खाई के आसपास रहने वाले लोगों ने अपना घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। वेल, थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मेरे को उस बच्चे की फोटोज मिल जाती है इंटरनेट पर से, जिसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं और उन आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। ये फोटोज देखने में सच में क्रीपी हैं, लेकिन यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा बच्चा है जो आसपास लोगों के साथ सिर्फ खेलना चाहता है। और तो और यार मैंने काफी ज्यादा ढूंढा बट मेरे को इस वर्ल्ड की कोई भी सीड नहीं मिली है, नहीं तो मैं भी इस वर्ल्ड में जाकर जरूर देखता। आपका क्या मानना है कि माइनक्राफ्ट में बच्चे की भी आत्मा हो सकती है? मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइज, आप सभी को पता है कि अभी आईपीएल चल रहा है और आप आईपीएल को एंजॉय करते करते काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो, वो भी बीसी गेम्स पे। बीसी गेम्स है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट। बस सिंपली आपको यहाँ पर ये गैस करना होता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी, और अगर आपका गैस सही हुआ तो यहाँ पर आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो। इवन सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको यहाँ पर टीवी से पहले ही पता चल जाएगा कि टीम में क्या स्कोर चल रहा है। मतलब सिंपल, जो हम टीवी पर मैचेस देखते हैं इस ऐप के ऊपर आपको पहले ही स्कोर पता चल जाएगा, एंड फिर आप उन स्कोर्स को देखकर आप एक्यूरेटली गेस कर सकते हो, जिससे कि आपके जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। एंड इस प्लेटफॉर्म पे आपको और भी काफी सारे गेम्स मिलते हैं, जैसे ये डायमंड वाला। आपको बस यहाँ पर गेस करना है कि कौन सी जगह डायमंड निकलेगा और कौन सी जगह बॉम्ब निकलेगा। इतनी सिंपल गेस से आपको प्राइजेस मिल सकते हैं। और तो और इसमें क्रिकेट से भी अलग गेम्स हैं, जैसे हॉकी, टेनिस या फुटबॉल। एंड इस प्लेटफॉर्म पर बड़ा इजी विड्रॉल हो जाता है। और तो और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। एंड इस प्लेटफॉर्म का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। हमारे गेम में माइनक्राफ्ट की हॉरर चीजों के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है। यार कोई कोई एंटिटीज तो सच में बहुत ज्यादा डरावनी होते हैं, लेकिन आज के टाइम में जस्ट टेरिबल नाम की एक क्रीपी पास्ता बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। तो ये देखो, ये है जस्ट टेरिबल एंटिटी। ऊपर से लेके नीचे तक स्टीव के कपड़े, लेकिन मुंह ऐसा जैसे किसी ने कैंची से काट दिया हो। सच में बहुत हॉन्टेड है, लेकिन इसकी हरकतें इससे भी ज्यादा डरावनी है। इस क्लिप में आप साफ देख सकते हो कि ये प्लेयर्स का वर्ल्ड हैक कर लेता है और एकदम से उनके सामने आ जाता है। और कभी कभार जब ये आपके आसपास होता है तो आपके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और एकदम से ये सामने आके खड़ा हो जाता है। यार ये सच में बहुत क्रीपी एक्सपीरियंस है। एंड रिसेंट रिसर्चेस के हिसाब से भाई एक एक करके यहाँ से माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में से प्लेयर गायब कर देता है ये एंटिटी। और प्लेयर्स ने इसके पास एक चीज नोटिस करी है, जब भी एंटिटी अटैक करता है तो वो कुल्हाड़ी से अटैक करता है, जो कि बहुत ज्यादा डेडली होता है। तो शायद इस चीज से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये एंटिटी मरा था तो किसी ने इसको कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरह मारा था और तभी इसके होंठ वगैरह कट रखे हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना।